इकबाल और आप देख रहे हैं फरा टाइम्स। नाज़रीन यहाँ पे मौजूद हूँ ठोकर न्याज बेग में, जहाँ पे एक औरत ने जो है तंदूर छोटा सा लगाया हुआ है। वहाँ पे चने की बहुत सारी और भी आइटम्स हैं, चावल हैं, मकई के दाने हैं, जिनकी बुनाई कर रही है, लोगों को सेल आउट कर रही है। बहुत ही मेहनत के साथ अपना घर चलाने की कोशिश कर रही है। मैं इन्हीं से बात करती हूँ कि इन्होंने यहाँ पे ये स्टॉल क्यों लगाया हुआ है। नहीं, ऐसा काम नहीं है जो कोई कर सके, मैं खुद ही करती हूँ। आप खुद करती हैं? हाँ जी। तो आप मतलब चने यहाँ पे रोड पे तरह से भट्टी लगा के चने की भुनाई करना मुश्किल नहीं होता? मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। लोग तंग करते हैं? तंग तो बहुत ज्यादा करते हैं, पुलिस वाले आ जाते, कोई सार्जेंट आ जाते, कोई कुछ आ जाते, कहते हैं। क्या कहते हैं लोग? कहते हैं उठा लो इसे, रोड से उठा लो, कहीं और चले जाओ। कहाँ जाएं हम लोग? हम कहाँ रहती हैं? न्याज बेग में। बच्चे कितने हैं आपके? 5 बेटे हैं। तो घर में कोई मर्द नहीं है? नहीं, छोटे से मियां मेरा है, वो कभी दिहाड़ी लग गई, कभी कोई नहीं। दिहाड़ी क्या काम करते हैं? मिस्त्रियां, मगर मजदूरी करता है। मजदूरी करते हैं? हाँ जी। वो यहाँ पे मतलब डेली बेसिस पे इतनी इनकम हो जाती है कि घर का किचन चल जाता है? बहुत मुश्किल चलता है, महंगाई इतनी ज्यादा है, कैसे चलाए। कितना अरसा हुआ है यहाँ बैठे? 10 साल हो गए बैठे हुए। 10 साल यहीं पे बैठे हुए हो गए? हाँ जी, यहीं बैठे हुए। तो रोज लोगों की बातें सुनती हैं, पुलिस वालों की, और भी बहुत सारे लोग आते हैं? हाँ जी। कभी आम आवाम ने आके तंग किया है? आवाम ने नहीं तंग किया। आवाम ने तंग नहीं। अच्छा, क्या क्या बेचती हैं आप? चने और मकई, चावल, 3 चीजा बेचती हूँ। 10 साल से यही बेच रही? हाँ जी, और नहीं काम करती। अच्छा, तो किस तरह मतलब इनकी कोई अमाउंट आपने फिक्स की हुई है कि जितने के आप देती हैं? हाँ जी, 100 रुपए का पाव। 100 रुपए का पाव? हाँ जी। अच्छा, जो लोग आपको देख रहे हैं आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? क्या कहिए उन्होंने, क्या कहना है उनको, मुझे तो नहीं। किराए पे रहती है? हाँ जी, किराए पे रहती हूँ, 8,000 महीना किराया देती हूँ। 8,000 रुपए किराया? हाँ जी। तो आप मतलब यहाँ से और आपके हस्बैंड जो मेहनत मजदूरी करके जो है वो 8,000 रुपए मैनेज कर लेते हैं? मैनेज बहुत मुश्किल करते हैं, फिर की करें, मजबूरी का नाम शुक्रिया, मैनेज तो करना ही है, कैसे करें आप? आवाम तो कोई फायदा दे ही नहीं रही, गवर्नमेंट भी नहीं, हुकूमत भी नहीं दे रही, हुकूमत भी कोई फायदा नहीं, नहीं कोई फायदा नहीं दे रही, अमदाद कोई नहीं करता। सारे खाने वाले ये कहते मुझे दे दो, मुझे दे दो, खाने वाले लोग हैं, देने वाले कोई नहीं, ऐसे रहने दे रही है ना इसमें। गलत करती हैं ना, अपनी हक लाल की रोजी कमा के खान, मेहनत मजदूरी करन, साडे तरह जैसे असी कर रहे हैं, अपनी मेहनत मजदूरी करन। मतलब इसमें कोई शर्मिंदगी नहीं है, कोई गलत काम नहीं है, आप हक हलाल की काम करने नहीं तो शर्मिंदगी का दी आएगी, गलत काम करेंगे तो शर्मिंदगी आएगी ना जी, शर्मिंदगी, हक लाल दी रोजी कमा रहे हैं, बच्चिया को खिला रहे हैं, एक आधी शर्मिंदगी जी। नाज़रीन वही बात की अगर
एक खातून चाहे एक औरत चाहे तो वो कुछ भी कर सकती है। मतलब यहाँ पे अगर ये हक हलाल की रोजी कमा रही है, आप देख सकते हैं कि बहुत ही अजीब सा एरिया, साइड पे जो है वो नाला बह रहा है, गंदा नाला बह रहा है, लेकिन यहाँ पे फिर भी जो है वो तंदूर के आगे वो काला धुआं निकल रहा है। उसी तरह से बुनाई कर रही है चने की, बहुत सारे लोग यहाँ पे आ रहे हैं, आप देख सकते हैं कस्टमर्स भी आए हुए लेने के लिए, सेल आउट करके मेहनत से हक हलाल की रोजी कमा रही है, अपने बच्चों का पेट पाल रही है। स्क्रीन पे इनका नंबर आ रहा है, आप नंबर नोट डाउन करके इनकी हेल्प आउट भी कर सकते हैं ताकि इनके घर में ज्यादा नहीं तो थोड़ी सी खुशहाली आ सके। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे अल्हानी के बाद।